नमस्कार मित्रों, मैं सुनील आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। मेरे पास एक बकरी है, काफ़ी दिनों से मेरे पास है और मैं खाली था तो टाइम पास के लिए एक वीडियो आपके लिए सोचा बनाऊं। तो आइए हम बताना चाहेंगे इसकी खासियत, इस बकरी की क्या खासियत है। है तो देसी लेकिन बड़ी बकरियों या किसी अन्य नस्ल से काफ़ी ज़बरदस्त है। इसकी मैं आपको क्या खासियत बताऊं, लेकिन इसकी खासियत बहुत अच्छी है। आइए मैं वीडियो में दिखा रहा हूं आपको। इसकी खासियत यह है, पहली खासियत इसकी है, देखिए इसके पास एक बच्चा ये है, दूसरा ये है और तीसरा उसके पास में है। ये हर ब्यांत में जो है तीन बच्चे देती है। भाइयों, यह आपको मैं बता दूं कि हर ब्यांत में तीन बच्चे देती है। तो दोस्तों, बड़ी बकरियां अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो इस बकरी के आगे फेल हैं, क्योंकि यह तीन बच्चे देती है और इसके पास इतना प्रचुर मात्रा में दूध रहता है, इतना पर्याप्त। मैं उसको आपका थन बाट दिखाऊं तो आप कहेंगे कि हाँ, वास्तव में देख सकते हैं ये तीन बच्चे पिला के अभी इसके थन में दूध दिख रहे हैं। वो जब ही मन करता है तभी पीते हैं सब, और दिन भर ये खुले रहती है घर पे, अगल बगल कहीं खाली स्थान तो नहीं है। ये थोड़ा सा रोड के साइड में जगह है, इतना देखिए खाली है, और इस साइड में अपना घर है, ये जगह खाली है। तो ये देखिए रोड के किनारे थोड़ा सा, ये शाम का टाइम है और ये जो कि थोड़ा टहल रही है इधर ही, तो मैं भी इधर ही आ गया, इसके पास में हूँ। अब देख सकते हैं इस समय तीनों बच्चे एक जगह हैं, मैं आपको दिखाऊं। तो भाइयों, ये बच्चे इस समय करीब करीब डेढ़ महीने के आसपास हो गए होंगे, डेढ़ महीना हो गया होगा इन बच्चों को, डेढ़ महीना हो गया है। तो आप समझ सकते हैं कि बड़ी बकरियां एक बच्चा, खुदा न खास्ते कोई दो बच्चा देती हैं, नहीं तो ये बकरी तीन बच्चे को कितने अच्छे ढंग से और कितने पर्याप्त मात्रा में दूध पिला के इनको अच्छे और बढ़िया तरीके से रखती है। तो आप सोच सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि यदि इस टाइप की अगर देसी बकरियां भी रहें अपने पास तो कितना अच्छा है, कि हम आराम से उनसे काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हैं और काफ़ी अच्छा लाभ भी हो सकता है। दूसरी चीज़ खासियत है कि ये बकरी बहुत टाइमली क्रॉस हो जाती है, दो महीना जाते जाते क्रॉस हो जाती है। तो खासियत ये है इसकी। तो आप समझ सकते हैं कि बच्चों को भी हम टाइम से तीन बच्चे पाते हैं और जो कि टाइमली क्रॉस हो जाती है, तो फिर नेक्स्ट प्रजनन आने का टाइम हो जाता है, तो काफ़ी अच्छा लाभ होता है इससे, तो आप अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए मित्रों, इस बकरी को हम लोग नहीं बेचते हैं, बहुत काफ़ी प्यार दुलार से इसको हम लोग रखते हैं, इसीलिए इसको बेचते नहीं हैं। ये हमारे पास काफ़ी दिनों से है, तो यही इसकी खासियत है किसान भाइयों। तो मैं यही समझता हूँ कि इस टाइप की अगर हमारे पास अगर कई बकरियां अगर रहें तो काफ़ी अच्छा, बड़ी बकरियों से काफ़ी अच्छा लाभ है इनमें। है तो देसी लेकिन इसकी गुणवत्ता इतनी अच्छी है कि आप काफ़ी अच्छा इससे मुनाफा कर सकते हैं। तो मित्रों, यही मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई खाली टाइम में, तो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अन्य किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।